पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 365 प्लस सीटों से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज 24/7। आज हम बात करते हैं बरधना विधानसभा की। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दौरे जी। डॉक्टर सिद्धार्थ जी किसी पर्चे के परिचयदाता नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं जो आप अपनी बरधना विधानसभा की जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी आपकी सरकार की लोहनीय स्कीम थी जो आपने वर्क करवाई है, ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपने हल की हैं जो जनता आपको वोट दोबारा से करेगी, एक्सप्लेन करके बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का अभिवादन करना चाहता हूँ जी, और ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत ही महान क्षेत्र है, इसलिए मैं इसको महान कह रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र के उत्तर में गंगा माँ का आंचल है और दक्षिण में जमुना माँ बहती हैं, उनका आंचल है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ का किसान अन्नदाता, जिससे कि हम सब लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो मेहनत करता है। तो ऐसे सभी भाइयों को मैं प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। अभी बसंत पंचमी का त्यौहार हम लोगों ने मनाया, तो सभी को बसंत पंचमी का मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके लिए उनको मैं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ पर हम बैठे हैं ये हमारे पिताजी का ही आवास है और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरम्भ किया था, स्वर्गीय गौरीशंकर जी मेरे पिताजी, जो कि यहीं इटावा से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया। तो मैं ये आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है बरधना विधानसभा का। ये विधानसभा इसलिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। यहाँ 500 के ऊपर बूथ हैं और बहुत बड़े बड़े तीन ब्लॉक हैं। महेवा ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है और उसको इस बात की भी एक विशेषता प्राप्त है कि वो सबसे पहला ब्लॉक, जब आज़ादी के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट का सिस्टम शुरू हुआ तो इट वाज़ द फर्स्ट ब्लॉक विच वाज़ मेड इनटू द ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट के लिए उसको बनाया गया। तो महेवा ब्लॉक है, भरतना ब्लॉक है और चक्रनगर ब्लॉक है। हमारे पिताजी की जो पुरानी विधानसभा अजीतमल थी उसमें चक्रनगर ब्लॉक लगता था अजीतमल में, वो कट करके नए परिसीमन में भरतना में जुड़ा है। उस क्षेत्र के हमारे यहाँ पे 5 नदियों का भी संगम है, इसी देश को पंचनद कहते हैं जी। वहाँ पर हमारे 3 स्थान हैं, बाबा कालेश्वर, बाबा साहब और भारेश्वर महाराज। तो ये तीनों स्थान पर से पंचनद बहती हैं। हमारी 5 नदियाँ जमुना, चंबल, क्वारी, सैन, पहुँच, और इन पर सभी पर हमारे पिताजी द्वारा ही बड़े बड़े दो दो 500 मीटर 1 किलोमीटर तक के पुल बनवाए गए उस ज़माने में, जबकि विधायक निधि नहीं होती थी, सांसद निधि नहीं होती थी, इसलिए उनका बहुत नाम है। बड़ी बड़ी सड़कें बनी, 22-22 लखनऊ से इंदौर सड़क बनी 22 किलोमीटर लंबी। उस ज़माने में उसकी कॉस्ट 1986 में 1 करोड़ के ऊपर की लागत थी। आज के हिसाब से अगर देख लें तो कितना, कई मेनी टाइम्स 1986 में पेट्रोल की कीमत वॉज नॉट मोर देन से 7-8 रुपए थी, आज पेट्रोल किस पॉइंट पर है, तो उससे आप कंपैरिजन करें इन्फ्लेशन में, तो आप समझ ही सकते हैं कि अभूतपूर्व काम हुए हैं। उनके उस संबंधों की विरासत को मुझे आगे बढ़ाने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने भरतना विधानसभा 201 से दिया है, इसका मैं अपनी पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने ये पूछा कि किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, प्रदेश के मुद्दे भी हैं और राष्ट्र के मुद्दे हैं। राष्ट्र के मुद्दे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा बनाई है और पूरे हमारे देश को सुरक्षित रखा है, उसका मान सम्मान बढ़ाया है। घूम घूम करके और जा करके सभी विश्व के बड़े लीडर्स के साथ भारतवर्ष के हमारे अच्छाइयों को जा करके उन्होंने प्रस्तुत किया है डिप्लोमेसी के थ्रू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी देश के लिए। जैसा अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके मित्र राष्ट्र कौन से हैं और आपके अमित्र राष्ट्र कौन से हैं। अमित्र राष्ट्रों को हमें काउंटर करना होता है अपने मित्र राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाकर, ये काम मोदी जी ने बहुत बखूबी किया है। ये मेन मुझे लगता है मुद्दा है। साथ में तो डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अर्थव्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट जो हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स में पूरी की।
और उसके बाद जो एक जो विकास की जो गंगा बही है वो आज प्रदेश में भी पहुंच रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसका बहुत बखूबी से इस्तेमाल किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये की है उन्होंने कि इसको इस प्रदेश को हाईवे प्रदेश बना दिया, एक्सप्रेस वे प्रदेश बना दिया है। एक्सप्रेस वे प्रदेश की जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जो प्लानिंग है मुख्यमंत्री जी की कि एक एक्सप्रेस वे बनेगा उसके साइड में सर्विस लेन बनेगी। जो सर्विस लेन बनेगी उससे हमारे किसानों को अपनी फसल को बड़े शहरों में पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। वो उस सर्विस लेन के थ्रू मेन एक्सप्रेस वे पर भी आ सकते हैं और उस एक्सप्रेस वे से उतर करके सर्विस लेन पर भी आ सकते हैं और वहीं पर उनका एक सिस्टम बन जाएगा जो कि किसान अपने प्रोडक्ट्स को मंडी के पास पहुंचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये पता होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसका दुष्प्रचार ही करते हैं, अगर इसमें तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी फ़ायदा कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ायदा कैसे गाँव पहुँचेगा एक्सप्रेस वे के। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा चीन से लगी हुई है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि नेपाल से सीमा लगी हुई है, लेकिन नेपाल की सीमा भी हमको सुरक्षित चीन के मद्देनज़र रखनी है, तो इसलिए ये एक्सप्रेसवे हमारे लिए। कुछ लोगों ने ऐसा मुद्दा उठाया था कि चाइना के प्रति हमारी पॉलिसी क्या है, मैं उसमें बहुत बड़ा विषय जाऊँगा नहीं, पर इतना कहूँगा कि ये एक्सप्रेसवे हमारे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को भी इन्हांस करते हैं, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि सभी एक्सप्रेसवे पे हमारे जो एयरफोर्स के प्लेन्स हैं वो लैंड कर सकते हैं, तो हमारे ये बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजिक हवाई पट्टियाँ भी हैं एक तरीके से, और हमारी सेना का मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो सकता है इन एक्सप्रेसवे से। और अभूतपूर्व एक्सप्रेसवे बन रहा है, मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, और ऑलरेडी जो आगरा एक्सप्रेसवे बना था पूर्व की सरकार अपना क्लेम करती थी, उसको कंप्लीट कराने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्हीं कार्यकाल में कम्प्लीट। साथ में मेट्रो आज की तारीख में कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, ये जो शहर का और उससे ज़्यादा जो 100 स्मार्ट सिटीज़ की प्लानिंग जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, क्योंकि आने वाले 15-20 साल में हम लोग पढ़ते थे कि 2050 तक हो सकता है 60% हमारी पॉपुलेशन शहरों में बसे। सिटी की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इटावा शहर में हैं इस वक्त, इटावा शहर की सहूलियतें बेहतर हो जाएंगी, ये सारे मुद्दे हैं। साथ ही साथ बेटी पढ़ाओ, आज हमारे स्कूल्स जो हैं प्राइमरी स्कूल्स उसकी बिल्डिंग्स को बेटअप किया गया है, बेंचेस बनाई जा रही हैं, वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड्स हैं और चार्ट हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में अच्छा लग रहा है, यूनिफॉर्म्स बच्चों को दी जा रही हैं, मिड डे मील बेहतर हुआ है, ये सारी सुविधाएँ पहुँची हैं, उससे पब्लिक में बहुत अच्छा परसेप्शन है। साथ में ही हमारे इस प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने कई एम्स का उद्घाटन भी किया है, उस पर काम चल रहा है, मतलब एक आध दो एम्स नहीं कई एम्स, और इसी तरीके से पुरानी जो फैक्ट्रीज बंद थी उनको भी, जैसे गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी बहुत बड़ा इशू था, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। तो इसी तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितने योजनाओं का नाम हो जिसके कारण कि आज हमारे देश में एक बहुत ही बेहतर माहौल है और प्रदेश में इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे थे किसान की, किसान बिना अपने देश की बात ही नहीं किया तो बात ही, भारत कृषि प्रधान देश है सर। जो आप किसान की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि आपकी सरकार का और सत्ता पक्ष का ये दावा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी सापेक्ष में आपने पीएम सम्मान निधि हो, चाहे 36,000 करोड़ कर्जा माफ किया हो किसानों का, आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकेंड कोविड वेव के दौरान आपने फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया, अभी रिसेंटली मार्च तक दे रही है, आपको सर क्या लग रहा है, आप अपनी विधानसभा की जनता के बीच जब जा रहे हैं, किसानों की आय आपको लगता है दोगुनी हुई या नहीं हुई? यही किसान आपके ऊपर आरोप लगाता है सर। किसान ये कहता है कि सर दिन में वो काम करता है, रात में क्या करता है, रात में जो आवारा पशु है उन्हें देता है। यहाँ तक आपने देखा होगा 2 महीने पहले सर जो गेहूं की बुवाई चल रही थी उस समय क्या हुआ, किसान 4-4 दिन सर लाइन में लगा रहा है डीएपी के लिए, आपका इसके बारे में कहना है? देखिए, डीएपी की जो बातें आपने कही हैं जी, ये स्थानीय स्तर पर समस्याएं आ जाती हैं जी। मैं ये बात देखिए कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ जी, लेकिन कई ऐसे हमारी जो समिति के जो सचिव हैं वो ठीक मानसिकता के नहीं है, रखी हुई जो फर्टिलाइजर के या डीएपी के जो हमारे बैग्स हैं रखे हुए हैं और उनको वो दे नहीं रहे हैं। अब स्मॉल स्तर पर पहुंचने में टाइम लगता है, नेताओं के पास तक बात पहुंचती है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करते हैं या उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, फिर वो नीचे बताते हैं, ये समस्याएं हैं। इसीलिए एक सशक्त जनप्रतिनिधि की भी आवश्यकता होती है, मैं यही कहता,
और पार्टी ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मुझे मौका दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करेंगे आने वाले समय में। सरकार की तरफ से इसमें गलती नहीं है, ये कुछ जो चेन है, लीकेजेस हैं, उसके अंदर की डिस्टर्बेंस है। और जहाँ तक आपने आय दुगने की बात की, पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है नारा और ये विजन सबसे पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो उसके लिए तो उनका धन्यवाद देना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके उस फोकस में वो चीज़ आई है कि कैसे हाउ टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स। अब 2022 का लक्ष्य रखा है, आप तो लक्ष्य अपना मजबूत पास का इसलिए रखते हैं जिससे कि हमारे पास एक प्रेशर हो काम करने का, लेकिन हम उसको अचीव जरूर करेंगे, बहुत ही जल्दी कुछ आने वाले सालों में ही करेंगे, क्योंकि 2022 तो आ चुका है। तो ये ठीक है, ये आरोप लग रहा है कि 2022 में कहाँ दुगनी हुई, लेकिन माहौल तो बेहतर हुआ है और वो टारगेट बना है, लक्ष्य बना है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हाईवे प्रदेश बना है, एक्सप्रेसवे बने हैं, तो बेटर उनकी हमारे किसान भाइयों की प्रोडक्ट्स बेटर तरीके से, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे किसान को ठीक है प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मार्केट में टमाटर की कॉस्ट नहीं मिली, आलू की कॉस्ट नहीं मिली, प्याज की कॉस्ट नहीं मिली, लहसुन की कॉस्ट नहीं मिली, वो प्रॉपर लीकेजेस ना होने के कारण नहीं मिली, तो वो एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य क्रॉप्स हैं जो कि लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि आज ऑर्गेनिक खेती है हमारे यहाँ पे बड़ा इसका चलन है कि चाय है, तरह तरीके की चाय है, तरह तरीके की और सारे हर्ब्स हैं, आज बहुत हमारे फूड टेबल पे बहुत सारी चीज़ें सजने लग गई जो पहले नहीं थी। हमारे पिताजी कह रहे थे हम तो चना चटनी खा लेते थे, नमक रोटी खा लेते थे, अब जो है भोजन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि किसान को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जब आय दुगनी करेंगे, मधुमक्खी पालन है और साथ में फिशी कल्चर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत फोकस है, लेकिन हमें ग्राउंड पे भी तो काम करना पड़ेगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम करेंगे और एक हम लोगों ने एक इनिंग ख़त्म की है, अब अगली इनिंग चालू करने वाले हैं, वो इनिंग के बहुत सारे उपलब्धियाँ भी हैं, कुछ हो सकता है कुछ कमियाँ हो उसको इसमें हम पूरा करेंगे, लेकिन उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसी के आधार पर हम काम करने वाले हैं। हमने कोविड में 100 करोड़ टीकाकरण के ऊपर काम लगवाए हैं लोगों को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी आपदा, आज की तारीख में ये थर्ड वेव नहीं आ पाई उस तरीके से, आई लेकिन उसने उतना डैमेज नहीं किया। ये हमारे किसान सम्मान निधि अभी 6,000 से 8,000 करोड़ 8,000 रुपये दे दी गई और साथ में 36,000 करोड़ का कर्ज माफ़ किया गया, ये अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं। आज खाते में पहुंच रहा है पैसा, और जो कोविड के समय में जो बात कि लोगों के ऊपर इतनी सारी कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों को पूरा करने का इसने, इस धनराशि ने काम किया है। ठीक है किसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन जो हमारे भाई हैं जो कि गांव में रह रहे हैं, उनके पास अगर 8,000 रुपये आ रहा है तो वो भी 3-3 महीने के स्लॉट्स में आ रहा है, वो बहुत बड़ी राहत है। दूसरी बात यह है कि मुफ्त का राशन मिल रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, केवल ऐसा नहीं कि केवल गेहूं चावल मिल रहा है, उसमें तेल भी दिया जा रहा है, उसमें चना भी दिया जा रहा है, एक प्रॉपर डाइट दी जा रही है। तो ये इश्यूज हैं और ये पहुँचाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में गुंडे और माफियाओं के ऊपर नकेल लगाई गई है और यहाँ तक कर दिया गया है कि अगर उन्होंने इस तरीके का कोई कृत्य किया है तो उनका घर तक खसा दिया गया है। इससे बड़ा कोई मैसेज हो नहीं सकता। जब बुलडोजर जाता है और दिखता है तो वैसे ही दहशत सभी के मन में आ गई है कि हमको कंट्रोल में रहना है, कानून व्यवस्था हमारी बहुत सुदृढ़ है और इस इलाके के लिए, इटावा पूरे जनपद के लिए, तो मैं बात बोलना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे और ये एक पूरा का पूरा मैसेज होगा और मैसेज ऑलरेडी हमने काम किया है कि हमने गुंडे माफियाओं को उनके बिलों में घुसा दिया है। सर आप यही बात कर रहे हैं, सर यही बात कर लेती यूथ की, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में औपदार रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में वो बेरोजगार है। कोविड ड्यूरेशन के दौरान आपने देखा होगा फर्स्ट मतलब 10th 12th ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट थे उनको प्रमोट कर दिया गया था। आपको सर क्या लगता है जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए थे आगामी भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे भी ये लोग क्रैक कर पाएंगे नहीं, आपका क्या आकलन है? देखिए हमारे यूथ हैं, आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जगह जगह पर स्मार्टफोन आ गए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी उस पर,
वो जो मिनी कंप्यूटर है वो, और वो अपने में लाइब्रेरी विकिपीडिया, हम लोग पहले एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ते थे, निकालते थे, किताबें रखते थे, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना देखते थे, उसमें ज़्यादा के विषय खोजते थे। आज विकिपीडिया पे आप टाइप करते हैं, कुछ भी आ जाता है, तुरंत हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आज समस्या इसकी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्या पढ़ें, आज समस्या ये है कि वो क्या रिटेन करें, उसको कैसे प्रोसेस करें, उसके बाद उसके साथ कैसे अपने जीवन यापन में उसको करें। तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार हैं। अब ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बायजूस ऐप है या वेदांतु ऐप है, और इस तरह के ऐप्स इतनी इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये जैसे हमारे क्लास में होता था, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कोई नहीं पढ़ाते थे, हम नहीं समझ पाते थे, ट्यूशन लेते थे। अब तो अगर मान लीजिए कोई क्लासरूम में कोई बात नहीं समझ में आई, आप ऐप पे जाएं, देखें, अब बच्चा वो पढ़ सकता है, पूरा पूरा फिजिक्स समझ सकता है, केमिस्ट्री समझ सकता है। तो इसलिए इनफैक्ट बच्चे बहुत आज की तारीख में हमारे उस जनरेशन से दे आर मच मोर इन्फॉर्म। बट मे बी एक यूथ की एक प्रॉब्लम ये जरूर हो सकती है कि दे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस पर तो खैर माँ बाप की जिम्मेदारी है। मैं ये कहूँगा माँ बाप से कि अपने बच्चों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उसको एक टारगेट रखें, उनके लिए 2-3 घंटे का ही समय रखें, उनकी आँखों को भी सुरक्षित रखें और जिम्मेदारी से बच्चों को देखें अपने काम के समय। मोबाइल वोबाइल जब छोड़ के जाते हैं, देखें कि बच्चे कितनी देर देख रहे हैं। हम अपने बच्चों को इसके लिए कंट्रोल करते हैं, उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट हम टेलीफोन डायरी लिखते हैं, उनको ये होता है कि इतने दिन इतनी देर देखा है, वो अपना डायरी लिख करके हमको देते हैं, अपनी मदर को देते हैं, हमारी वाइफ। अब आपकी विधानसभा की बात है, विधानसभा की जनता यदि आपको सर मौका देती है, दोबारा से आपको मौका देती है, सर आप अपनी पटना विधानसभा की जनता के लिए, खासकर युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, किन किन माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे? हमारी पार्टी को जनता दोबारा मौका देगी और मुझे पहली बार मौका देगी और ये मेरा घर है, मेरे पूर्वजों की धरती है, मेरी सांस्कृतिक धरती है। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी भाषा, मेरी बातचीत, मेरे खाने पीने का रहन सहन का तरीका, वो सब इसी क्षेत्र का ही चुकी है। मुझे बड़ा संतोष है यहाँ आने में, तो इसलिए मुझे दोबारा पार्टी को और पहली बार मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा मेरा विश्वास है। जनता का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। यूथ के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर डेवलप किया है। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑलरेडी डेवलप्ड है जो कि खेती किसानी हो रही है, क्योंकि ये मिट्टी जो है सोना उगलती है, ये दोआब की मिट्टी है। मैंने जैसा कहा कि गंगा जमुना जी के बीच की मिट्टी है, दोआब एरिया का है, बहुत ही दुमट मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, 3 फसल लेते हैं हम इसमें। लेकिन अब इसमें करने की आवश्यकता क्या है कि फूड प्रोसेसिंग को लाने की आवश्यकता है। जैसे आलू की खेती होती है, आलू की खेती से हम लोग प्रोसेस करें आलू को, आलू के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे एक बात कहते हैं कि भाई आलू से अल्कोहल बनाया जाए, अब अल्कोहल लोग सोचते हैं अल्कोहल मीनिंग वाइन और विस्की और दूसरे जो आपके अल्कोहल की चीज़ है, लेकिन अल्कोहल का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है, अल्कोहल का इंडस्ट्रियल यूज होता है पेंट इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में। तो आलू से अल्कोहल, आलू की चिप्स, साथ में पैकेजिंग जो इवन गेहूं की है उसकी पैकेजिंग, आटे के प्लांट्स, आटा गेहूं से आटा बनाने के प्लांट, चावल की अलग अलग किस्में जो होती हैं, हमारे लाही बहुत होती है क्षेत्र में जो हमारा पारपट्टी क्षेत्र है, तो सरसों, फिर दलहन, हमारे प्रधानमंत्री जी की दाल के ऊपर बहुत फोकस है, तो इधर बहुत अच्छी दाल होती थी पहले, अब इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रही है इस एरिया में नहीं हो रही है दलहन की खेती, उसकी प्रोसेसिंग पॉलिशिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दाल की पॉलिशिंग होती है। तो ये सब जो इंडस्ट्री लिंक विद एग्रीकल्चर, अब जब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री लिंक होगी तो वो जो इंडस्ट्री में फिर रिक्वायरमेंट MBA की भी होगी। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके BSc AG बच्चे जो हैं उनको बाहर रोज़गार मिल रहा है, वो यहीं रहेंगे फिर, और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी,
ट्रक्स को हैंडल करने वाले ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे जो कि शिक्षा जो लेबर के ओरिएंटेड चीज़ें हैं जहाँ पर कि जिनकी शिक्षा उतनी नहीं है, तो वो लोग क्यों भी मिलेगा। तो मतलब एग्रीकल्चर को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू लिंक करके हम लोग अपने रोजगार नौजवानों के रोजगार को बना सकते हैं। इसके अलावा और जो इंडस्ट्री और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसमें जैसे हमारे यहाँ पे औरैया क्षेत्र है, उसका घी बड़ा फेमस था जी, और इटावा में जो है हमारे यहाँ पे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इटावा बहुत प्राचीन शहर है, बहुत पुराना शहर है। आज भी मैं देखता हूँ गलियों के अंदर बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे मेहराब बने हुए, एक दिन में आप जाइए तो वो बड़ा प्राचीन शहर है हमारा। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएँ, अगरबत्ती को बनाना, धूपबत्ती को बनाना, और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे रोज़गार मिल सकता है, हमारा जो बीहड़ क्षेत्र है उसमें आपने जैसे कहा कि किसान परेशान है, जो हमारे मवेशी हैं आवारा पशु, मैं आवारा पशु नहीं कहना चाहता, मैं जानबूझ के आवारा पशु का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो हमारी गौ माताएँ हैं। तो उसका जो ये पीछे तरीके से मैं इसको खोल के रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैसेज क्या कर रहे हैं, मैसेज ये कर रहे हैं कि अरे देखो हमारी सरकार आएगी तो आवारा पशु का क्या होगा। इनके दिमाग में क्या है कि चोरी छिपे तरीके से हम गौकशी करेंगे, ये एक अपराध करेंगे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। तो इनसे पूछा जाए कि क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन तो यही है जो हमारे पास सोल्यूशन है कि गौशालाएँ बनाई जाएँ। अब उस गौशाला के अंदर हम किसी ने कहा था कि एक हमारी जो गौ माता है वो जितना फास्ट कूड़े को गार्बेज को डिस्पोज करती है उतना तो कोई कहीं हो ही नहीं सकता, मीनिंग वो 24 घंटे में डिस्पोज कर देती है। अगर आप जो भी हमारे यहाँ के निकलने वाला जैसे, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है उसको ठीक से हम करें, जैसे सब्जी के छिलके हैं और चीज़ें हैं उनको अगर सेपरेट कर दें, प्लास्टिक वाले सब और उसको मेटल को अलग कर दें, उसको एक जगह ले जा करके और खिला दें, और उसके बाद वो उसका प्रोसेस होकर के गोबर के रूप में और गोमल के रूप में निकलने के बाद वो जो चला जाएगा वर्मी कंपोस्ट, और उसको वर्म्स खा जाएंगे, और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बन करके वो शहरों में 5-5 रुपये 10-10 रुपये किलो में बिक रहा है, और लोग गमले के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो गौशालाएँ बने, और फिर जो हमारे गौमूत्र है उसका उपयोग, और साथ में गोबर का और खाद उससे बनना, तो अपने में वो एक इंडस्ट्री बन गई, और उसी गौशाला का खर्चा निकल आया, जबकि सरकार उसके लिए 20 लाख रुपए तक भी दे रही है और भी दे रही है, लेकिन हमारे कुछ प्रधान हैं किसी कुछ मानसिकता के वो उसको उतना बना नहीं रहे, तो उससे सब वो घूम रही है। तो गलती सरकार की नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि वो कुछ लेवल पर तो प्रधान जी जानबूझ के करवा रहे हैं, क्योंकि उसको करवाएं और प्रधान जी जो है गौशाला ना बनाएं उसके बाद जो कहें कि देखो ये सब तुम्हारे खेत चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पूरी प्लानिंग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें हमारी तो इच्छा है कि 15,000, 20,000, 25,000 तक की बड़ी बड़ी गौशालाएँ भी बनाई जाएँ, और उसको हम लोग गौ सेवा करके और हम सब लोगों को पुण्य मिलेगा। ये काम तो मेरे सबसे इस क्षेत्र के एजेंडे पे है, सबसे पहला काम मैं करूँगा जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासकीय व्यवस्था के तहत इसको सबसे पहले कराएंगे। हमारे साथ उपस्थित थे डॉक्टर सिद्धार्थ दोरे जी ने बड़े सरल स्वभाव से बताया, 10 मार्च 2022 विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 365+ के साथ करेगी वापसी।